बिहार का महापर्व छठ जो है वो आज पहला अर्घ है, यानी कि डूबते सूर्य भगवान को जो है छठ व्रती जितने हैं वो अर्घ देंगे। लेकिन देखिए ये तस्वीरें कितनी अपने आप में मनमोहक तस्वीरें हैं। जो लोग हैं छठ व्रती हैं वो शाम का वक्त है और ये तस्वीरें हम सीधे आपको बिहार से दिखा रहे हैं और बिहार से तक बाकी जो भी बच्चे हैं वो भी हैं। और कैसे देखिए एक तस्वीर, यही जो है महापर्व बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड मारे कहीं भी जो लोग हों, भले वो किसी दूसरे देश में भी कंट्री में जो लोग हैं वो भी इस छठ व्रत जो महापर्व जिसे कहा जाता है उसको लोग काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और इसमें एक छठी मैया का सबसे बड़ा होता है कि इसमें महाशक्ति है, महावरदान, जो लोग मन में जिनको जो मनोकामनाएँ होती हैं वो पूर्ण होती है छठ जो पूजा है वो करने से। इससे तमाम वो भक्ति है लोगों की जो हर साल लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो करते हैं और अपने आप में एक विश्वास है छठ माता में। देखिए हर जगह आप बांस और बल्ले से बैरिकेडिंग देखिए कैसे सजाया गया है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए छठ भी एक ऐसा पर्व है, बाहर कहीं भी लोग किसी भी राज्य में हो लेकिन छुट्टी लेके, क्योंकि देखिए बिहार में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, दूसरे राज्यों में लोगों को जाना पड़ता है कमाने और खाने के लिए, क्योंकि देखिए रोजी लोगों को रोटी की और सख्त ज़रूरत है कमाने खाने की। और हमारे बिहार से जो है मजदूर क्या है, हमारे बिहार से जो लोग मजदूर प्लान करते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाते हैं और कमाने के बाद, लेकिन दूसरे राज्यों में लोग जाके काम करने के बावजूद भी उनके मन में एक आस्था है भले साल भर छुट्टी ले या ना ले, लेकिन ऐसे समय में इस समय में छुट्टियां जो है वो लोग बचा के रखते हैं कि इस समय ऐसे पर्व में हम अपने परिवार के साथ आ सकें। देखिए आप लगातार देख रहे थे कि ट्रेनों से भी ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, ये कोई इस बार की नई बात नहीं है, हर साल लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है वेटिंग में, मतलब कि इतना भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। स्टार्ट कीजिए बाबा, आप लोग नाव चला रहे हैं? हाँ। आपके यहाँ भी छठ हो रहा है? हाँ हाँ छठ हो रहा है। हाँ छठ हो रहा है आपके यहाँ? हाँ हाँ वो यहाँ होता है गाँव पे। हाँ कहाँ पे होता है? जमैनिया। कहाँ घर है आपका? जमैनिया। नाव, हमें नाव ही चलाते हैं आप? हाँ गाँव है। और भी कुछ काम करते हैं? हाँ और कुछ काम करते हैं, क्यों नाव चलाते हैं? नाव चलाता है। हाँ तो देखिए ये बाबा हैं, हम सीधे इनसे बात कर रहे थे, ये नाव से हमें चारों तरफ घुमा रहे, दिखा रहे तस्वीरें ताकि हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा सके कि ये शाम का समय है, शाम का वक्त है, सूर्य जो होगा अस्त होगा और अस्त सूर्य को सबसे ज़्यादा यहाँ सूर्य अस्त सूर्य को ही पूजा करना महाछठ जो है महापर्व है इसलिए माना जाता है क्योंकि डूबते हुए सूर्य, ये पहला बार है उगते सूर्य को तो सभी लोग प्रणाम यानी पूजा करते हैं। देखिए देखिए कि कैसे जो है दिया, देखिए अपने आप में पूजा करने की विधि जो है वो सबकी विधि होती है और वो विधि लोग 3 से 4 दिन का ये व्रत होता है, ऐसे में देखिए फल से ये पूरा का पूरा बैरिकेडिंग जो है फल से सजा हुआ है, बांस और बल्लों के सहारे जो ईख है इसको महत्व दिया जाता है, ईख जो लाकर यहाँ पे पानी में गाड़ा जाता है, अब ये सुबह ही निकलेगा पानी से, सुबह निकाल के लोग घर जाएंगे क्योंकि सुबह सूर्य भगवान की जो पूजा होगी और अर्घ दिया जाएगा, सूर्य भगवान को जल दिया जाएगा, पूजा किया जाएगा। देखिए लोग उगते सूर्य को किस तरीके से जो लोग प्रणाम कर रहे हैं, पानी में छठ व्रती जो है वो खड़े हैं और जल बीच खड़े होकर देखिए स्नान करने के लिए भी व्यवस्थाएं दी गई है, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि देखिए कैसे जो लोग को यहाँ जो भी कमेटी के जो लोग होंगे उनके तरफ से यहाँ पे और बाकी भी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएँ पर हर तरफ से जो है व्यवस्थाएँ चारों तरफ से की गई है और आपको यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हाथ में नारियल और अगरबत्ती और पूजा की भावना जो है मन में है, मनोकामनाएं भी लोगों के मन में होंगी कि छठ मैया जो है वो पूर्ण करेंगी और साथ ही साथ जो भी लोगों की इच्छा होंगी इच्छाएं पूरी हो और बिहार राज्य जो है वो एक समृद्ध राज्य बन सके, हमारा बिहार राज्य विकास कर सके और बिहार के साथ साथ पूरे भारत के जो लोग हैं वो मतलब कि सुखी से रह सकें। जो लगातार आपदाएँ सामने आ रही थी, कोविड जो आपदा थी वो भी आई हुई थी, तो लोग मना रहे हो कि इस तरीके की आपदाएँ अब ना हो, छठ मैया से तो ये लोग
जरूर मांग रहे होंगे, मनोकामनाएं कर रहे होंगे कि ऐसी विपत्ति हमारे देश के ऊपर ना आ सके। ऐसे में कई भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, छठव्रती होंगे जो ऐसी मनोकामनाएं कर रहे थे, क्योंकि वो भयावह मंजर था जो हमारा भारत देश उस मंजर से गुजर रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा सकुशल उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन वैसा मंजर फिर से हमारे देश में न हो सके, जिसको लेकर देखिए छठव्रती में ये भी एक मनोकामना होगा, अपने सुख समृद्धि और रुपया पैसा जो भी है, बच्चों की नौकरी लग जाए, ऐसे तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो छठ मैया से लोग मांग रहे होंगे इस वक्त। वो हम तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे जो लोग हैं, ये सीधे तस्वीर हम बिहार से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार उत्तर प्रदेश के लोग मनाते हैं, और बिहार उत्तर प्रदेश के लोग कहीं भी किसी भी देश में रहेंगे तो वो वहाँ से मनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और भी देशों में जो लोग हैं वो भी यहाँ से देखते हैं, लाइव देखते हैं, लाइव पूजा भी करते हैं। अब अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, वहाँ से भी लोग जो है छठ मनाते हैं, वहाँ पे जो चार दिन का महिमा है। और देखिए, और फिर कल की भी तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो मेरी एक छोटा सा मेरा ये प्रयास था कि तस्वीरें मैं आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि ज़रा आप देखिए यह हमारा बिहार इतने गर्व के साथ जो है महापर्व छठ मनाता है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आज क्रिकेट मैच भी हो रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया बनाम ये विश्व कप हो रहा है, और जो कि नरेंद्र मोदी के स्टेडियम अहमदाबाद में हो रहा है, वहाँ पर 1 से 1.5 लाख जो दर्शक है वो वहाँ पर है, कई देशों से, थोड़ा सा रुकिए इसको।